मैम क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेके, जो इनिशिएटिव आप दोनों ने लिया है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ बिहाइंड दिस, आप प्लीज बताना चाहेंगे? सो आई वुड से एम सोशल जो प्लेटफॉर्म है, एज अ नेम सजेस्ट, अबाउट मदर कम्युनिटी ऑफ मदर्स अक्रॉस इंडिया. वी हैव मोर देन 2.4 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी ऑन आवर ऐप. हम अलग अलग सिटीज में ऑफलाइन इवेंट्स के भी मॉम्स कनेक्ट करते हैं, उन्हें नेटवर्क करने का मौका देते हैं, इवेंट्स जहाँ वो अपने बच्चों के साथ आ सकें. टू इवेंट्स लाइक अ लंच ऑन और अ ब्रंच और अ हाई टीस और अ स्नैकिंग इवेंट that they can just share their moments of joy of motherhood and the pains of motherhood. There is a lot that we are giving in terms of platform online and offline wherein they can share the joy of being a mother. Yeah. Mother is the most trustworthy community in India currently. It is growing vastly. That's why our entire attention is in growing this ecosystem together. And we're so glad that so many of the people are coming forward as influencers, as torchbearers to take our mission to a epitome of ICE. Yeah, this is a very different idea. That's exactly the reason why I really wanted to be here and I wanted to be a part of it. Because har cheez ke liye community hai, I think mom ke liye community kahin na kahin missing thi. And you know, even I can relate, like I'm not a mom. बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट जब भी मैं माँ बनूंगी अब मेरे सारे दोस्त तो मेरे साथ माँ नहीं बनेंगे ना. सो आई विल नॉट हैव पीपल टू शेयर माई, लेट्स से इफ आई डोंट नो व्हाट टू डू या कैसे करते हैं, इफ आई यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन वंस यू बिकम अ मदर. एंड आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का ही मौका मिले. सबकी जर्नी अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो जाए, मे बी आपके फ्रेंड्स उस टाइम पे उस जर्नी पे नहीं हुए तो आपको नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, पुराने को भूलोगे नहीं, बट एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही. सो दैट इज समथिंग. एंड ऑल्सो वी ट्राइंग टू ब्रेक द बैरियर. सो मेनी ऑफ दीज मदर्स पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के. बहुत बार ऐसा होता है कि वंस यू आर मैरिड, वंस यू हैव अ किड, आपके फैमिली के नाम पे इन्वाइट आता है, आप साथ में टैग अलॉन्ग कर जाते हैं. आपको अपने नाम पे जब एक इनवाइट मिलता है ना, जो पावरफुल फीलिंग आती है, जो ऐसा लगता है कि यस आई एम स्टिल समबडी, मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हुई है. हम वो ट्राई करते हैं कि इन लोग को एक पावर मिले, एक फेलिसिटी, एक वैलिडेशन चाहिए और वो कुछ एक दूसरे से मिलता है. बट दिस इज वाई आई एम वेरी हैप्पी दैट यू सेड दिस, दैट कि एक माँ बनने के बाद योर इंडिविजुअलिटी कैन यू नो गेट रियली कैन गेट हर्ट, कैन गेट थ्रेटन्ड. एंड गिविंग अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पर एक माँ तो आप हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, वो बरकरार रहेगी. आई थिंक दैट्स गुड. एंड अ नॉन जजमेंटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज आज हम अपने फैमिली पे इवेंट्स अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है टू शेयर थिंग्स, और मे बी दे डोंट परसीव आवर जॉब्स और आवर प्रोफेशन इन द सेम मैनर एज वी कैन एज वी वांट टू बी परसीव. बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन यू ओनली गेट एम्पावरमेंट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सीकिंग जॉय एंड लव आउट ऑफ ईच अदर, एंड इट्स ऑल अबाउट रबिंग ईच अदर्स एनर्जी टू अ लेवल वेयर इन इट्स सच अ पावरफुल इकोसिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट व्हिच इज द मॉम्स कम्युनिटी थ्रू एवरीथिंग. मैं वंशज तो कर ही रही हूँ उसमें. आई एम हसीना मलिक इज बैक एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग अ प्ले विच इज गोइंग ऑन, और उसके अलावा मैं जिंदगी में चिल कर रही हूँ और इन सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे माँ बनने का मन कर रहा है. ठीक है, आई एम टेलिंग माय मॉम टू जॉइन दिस लाइक फॉर श्योर. वेरी डिफरेंट आइडिया. दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई रियली वांटेड टू बी हियर एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज हर चीज के लिए कम्युनिटी है, आई थिंक मॉम के लिए कम्युनिटी कहीं ना कहीं मिसिंग थी. And you know, even I can relate, like I'm not a mom, but I can understand that जब भी मैं माँ बनूंगी अब मेरे सारे दोस्त तो मेरे साथ माँ नहीं बनेंगे ना. सो आई विल नॉट हैव पीपल टू शेयर माई, लेट्स से इफ आई डोंट नो व्हाट टू डू या कैसे करते हैं, इफ आई यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन वंस यू बिकम अ मदर. एंड आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का ही मौका मिले. सबकी की जर्नी अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो जाए, मे बी आपके फ्रेंड्स उस टाइम पे उस जर्नी पे नहीं हुए तो आपको नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, पुराने को भूलोगे नहीं, बट एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही. सो दैट इज समथिंग. एंड ऑल्सो वी ट्राइंग टू ब्रेक द बैरियर. सो मेनी ऑफ दीज मदर्स पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ के. बहुत बार ऐसा होता है कि वंस यू आर मैरिड, वंस यू हैव अ किड, आपके फैमिली के नाम पे इन्वाइट आता है, आप साथ में टैग अलॉन्ग कर जाते हैं.
आपको अपने नाम पे जब एक इनवाइट मिलता है ना, जो पावरफुल फीलिंग आती है, जो ऐसा लगता है कि यस आई एम स्टिल समबडी, मेरी इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हुई है, हम वो ट्राई करते हैं कि इन लोग को एक पावर मिले, एक फेलिसिटी, एक वैलिडेशन चाहिए और वो कुछ एक दूसरे से मिलता है. But this is why I would really I'm very happy that you said this, that ki ek maa banne ke baad your individuality can, you know, get really can get hurt, can get threatened, and giving a platform like this jahan par ek maa to aap hai hi lekin uske sath sath aapki ek individual identity bhi hai, wo barkarar rahegi. I think that's kudos to a non judgmental platform, because aaj hum apne family pe events attend karte hain to thoda sa hesitation rehta hai to share things, or maybe they don't perceive our jobs or our profession in the same manner as we can, as we want to be perceived. But this is a platform where you only get empowered, because all of them are seeking joy, love out of each other, and it's all about rubbing each other's energy to a level wherein it's such a powerful ecosystem altogether, which is the moms community through it. मैं वंशज तो कर ही रही हूँ उसमें, हम हसीना मलिक इज बैक एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग अ प्ले व्हिच इज गोइंग ऑन, और उसके अलावा मैं जिंदगी में चिल कर रही हूँ, और इन सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे माँ बनने का मन कर रहा है. ठीक है, आई एम टेलिंग माय मॉम टू जॉइन दिस लाइक फॉर श्योर. Being a new mom, you what you get onto the plate is a lot of energy and enthusiasm with respect to, you know, driving a wave in the industry from a new perspective, new angle, and that's how we thought Pasha has to be the one. Thank you. On behalf of the contestants, I would like to ask you, what would you like to say to the contestants who are waiting for you inside? Well, I think each one of them, firstly, there's extreme confidence that they're coming out there as mothers and, you know, participating something so amazing and putting their best foot forward in terms of their talent, in terms of, you know, what they want to showcase. So I wish them all the very best, and very excited to go and see them, actually meet them. As a mother, we face a hardest feeling. How do you deal with this? Yeah. It is very difficult to leave your child home and even come for an event like this. I'm on video calls with her. I'm making sure she's sleeping. I'm sure the father is babysitting. So I don't leave the home. Me or Karan are always there with her. We just don't leave the help with her. We make sure as parents that we give her maximum time. And it's very hard. There's, you know, we talk about mom guilt, and it is a real thing. I feel guilty going to the gym. So that's like, it's really insane. I never understood it. And I keep talking to other mothers how, you know, as working moms, it's so hard. I'm lucky that I can be at home and be with her as much as I want to. But there's some mothers who have to go out there, work, make money, and, you know, and spend a little less time with their kids. It's really hard on the mothers. I would really always want people to think that, you know, you have to also tap into the sentiments of a mother, not just the child. Like it's a both together. So I feel I'm very lucky that I get to spend a lot of time with my baby. I have not reached the place to advise anybody. I'm still learning every day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.